इंदौर में मौजूद विश्व प्रसिद्ध श्री खजराना गणेश मंदिर में आगामी 31 अगस्त से गणेश उत्सव मनाया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां तेज हो गई है। गणेश उत्सव के समय यहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं, लिहाजा प्रशासन सुरक्षा को लेकर भी कड़े बंदोबस्त कर रहा है। इंदौर में मौजूद खजराना गणेश मंदिर देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। वैसे तो यहां रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन गणेश उत्सव पर यहां का नजारा कुछ और ही होता है। रोजाना यहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु गणेश जी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इन दिनों जहां गणेश जी का सुंदर और खास तरह का श्रृंगार किया जाता है, वहीं इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को नियंत्रण में करना प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती रही है। मंदिर समिति की माने तो आगामी 31 अगस्त को सुबह 10 बजे से 10 दिनी गणेशोत्सव की शुरुआत हो जाएगी, जहां इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह और निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ध्वज पूजन करेंगे। वहीं विशेष अनुष्ठान के साथ ही गणेश चतुर्थी के दिन भगवान श्री खजराना गणेश जी को स्वर्ण मुकुट और स्वर्ण आभूषण धारण करवाए जाएंगे। साथ ही भगवान को लड्डू और मोदक का भोग लगाया जाएगा। मंदिर के पुजारी विनीत भट्ट के अनुसार हर दिन गणेश उत्सव में करीब 2 लाख से अधिक भक्त पहुंचने के कयास लगाए जा रहे हैं। जय श्री गणेश। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी गणेश चतुर्थी 10 दिवसीय जन्मोत्सव भगवान का दिनांक 31 अगस्त बुधवार को से प्रारंभ होकर के 9 अगस्त तक मंदिर में मनाया जाना है, जिसमें प्रथम दिवस भगवान गणेश जी महाराज को स्वर्ण मुकुट स्वर्ण आभूषण धारण करा करके रत्न जड़ित श्रृंगार किया जाएगा। भगवान को सिंदूर का विलेपन किया जाएगा। प्रातःकाल चतुर्थी के दिन 10 बजे 10:30 बजे जिलाधीश महोदय कलेक्टर श्री मनीष सिंह जी एवं प्रतिभा पाल मैडम जी और मंदिर के प्रमुख पुजारी मोहन जी भट्ट अशोक जी भट्ट के द्वारा यहाँ पे ध्वजा पूजन कराया जाएगा। उसके पश्चात पर्व की शुभारंभ हो जाएगी। 1.25 लाख मोदकों का भोग लगेगा प्रति सूर्य दिन और संध्या आरती में नित्य भगवान को विभिन्न प्रकार के अनाज का भोग अनाज के लड्डुओं का भोग रोज लगेगा। क्या कह सकते कितने इस बार भक्त पहले दिन आ सकते हैं? बुधवार भी है और भादव मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी जो भगवान की जन्म चतुर्थी मानी गई है, उसका बड़ा विशेष महत्व है। भक्तों में बुधवार की श्रद्धा है ही, और परंतु चतुर्थी होने से डबल हो जाने से 2 से 2.5 लाख भक्तों के आने की आशंका है कि प्रथम दिवस 2 से 2.5 लाख भक्त श्रद्धालु भगवान गणेश के दर्शन करने को आतुर हों। इस मंदिर प्रिमाइसेस में 75 से 80 कैमरे हैं, जिसके माध्यम से सभा कंट्रोल रूम में वाचिंग की जाती है कि कहाँ कौन सी गतिविधि हो रही है, और सुरक्षा कर्मी और बालाजी सिक्योरिटी गार्ड के यहाँ पे जवान भी महिला गार्ड जेंट्स गार्ड भी यहाँ पर है, जो हर समय निगरानी रखते हैं, और कार्यालय से भी इसका वाचिंग किया जाता है। यहाँ दिन भर दर्शनार्थियों को व्यापक व्यवस्था हो सके मिल सके, इसलिए मंदिर भ्रमण समिति अध्यक्ष महोदय ने बड़े ही ऐसे निर्णय लिए गए, इसके कारण भक्तों को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। यहाँ पे शेड लगाया गया है कि लाइन में लगे हुए श्रद्धालुओं को गीले ना हो, आराम से सुगमता से हर व्यक्ति को 5 से 10 मिनट में दर्शन मिल सके, ऐसी व्यवस्था मंदिर प्रबंध समिति ने यहाँ पर की है। आपका परिचय? पुजारी विनीत भट्ट, गणपति मंदिर खजराना इंदौर। गणेश उत्सव के दौरान मंदिर में सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने व्यापक इंतजाम कर लिए हैं। किसी भी श्रद्धालु को ज्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े, इसको भी ध्यान में रखा जा रहा है।